तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो में 8 से 9 घंटे की कमर तोड़ जर्नी के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे उर्गम वैली। और उर्गम वैली पहुंचने के बाद नज़ारे तो कुछ अलग ही थे। तो इस वीडियो में आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा कि हमने एग्जैक्टली उर्गम में क्या किया, हम कहां भी गए, हम किससे मिले और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए कैसा था। सो उर्गम पहुँचते ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये आई कि हम जिसके घर जा रहे थे उनका और हमारा कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, जस्ट बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क कम थे और हमारा उनका फ़ोन भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो बस हम उर्गम पहुँचने के बाद एक जस्ट नाम और एक फ़ोटो के सहित बस हम ढूंढ रहे थे कि ये इंसान कहाँ रहता है। तब फिर हमने गांव वालों से पूछा कि उन्होंने बोला कि जो ये इंसान है ये आगे साइड में पहाड़ के ऊपर 2 किलोमीटर ऊपर रहते हैं। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हमने ले लिया अपना सामान और वहाँ तक ही लास्ट बाइक जा सकती थी। अब इसके बाद हमको करना है हाइक ऊपर वहाँ तक जाने के लिए। ये गांव का एक कच्चा रास्ता है जो कुछ ऐसा है और हमें ऊपर तक जाना है। अभी तो स्टार्ट ही करा है और थोड़ा सा वो लग गया क्योंकि यार इतना बड़ा बैग है पीछे और इसमें सामान है। बट स्टिल यहाँ वैली के नज़ारे बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, 2 खड़ी चढ़ाई है। मुझे लग नहीं रहा मैं चढ़ पाऊँगा। इतना है तो ज़्यादा ऊँचा नहीं बट मैं कल रात से ट्रैवल कर रहा हूँ नॉन स्टॉप। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे पास इतना बड़ा बैग है जिसमें मेरे पूरे हफ्ते के कपड़े, गैजेट्स, गियर सब कुछ है। ये अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 किलो का है। और यहाँ से और ऊपर चल रहा है वैली, सामने इतनी बड़ी है, अगर हमें वहाँ तक चल के जाना होता तो 1 महीने में तो पहुँच ही जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं जैसे मूवीज में होता है, फ्रिक्शनल मूवीज होती हैं कैसे पहाड़ के बहुत ऊपर से झरना गिर रहा है। हाँ, वो झरना प्रवीण तो चढ़ गया ऊपर फटाफट, हम पता नहीं कितनी देर में चढ़ेंगे, पता नहीं कहाँ। अब यहाँ से और थोड़ा ऊपर जाना है, सांस चढ़ गया, अब थोड़े थक गए, थोड़े नहीं बहुत थक गए। और यहाँ से वो दोनों जा रहे हैं अभी आगे पूरी वैली सामने, यह नीचे वैली हमने स्टार्ट किया था वहाँ से चलना। और यहाँ चढ़ना डबल मुश्किल इसलिए हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बैग। स्टिल जाना तो है ऊपर, अगर एक्सप्लोर करनी है कुछ चीज़ें कुछ जगहें तो कंफर्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थक गए ब्लॉग में आ रहा, ब्लॉग में आ रहा है। स्टार्ट किया था हमने वहां से चलना, कहां तक आ गए, भाई पहाड़ पड़ा हुआ है वो सामने, तो माँ नीचे पहाड़ चढ़ते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि हम कहाँ चढ़ के आ गए बट हमने मान लीजिए क्या नहीं लग रहा होगा इनको, लेकिन इनको पता नहीं चल रहा होगा कि हम कहाँ चढ़ के आए हैं और हम इतना ऊपर चढ़ गए। ऑक्सीजन की कमी है, ये भी बादल देख दिखा इनको। ओह मेरी बेगर आ
आवाज भी नहीं बची है वो। तो गाइस ये है उर्गम घाटी, जहां आप वो बादल देख रहे हैं वहां एक मंदिर है, उसका नाम है फ्योला नारायण। वहां है खड़ी चढ़ाई, 85 डिग्री चढ़ाई है वहां, और 3 घंटे लगते हैं वहां पहुंचने में। वहां मंदिर की खूबी ये है कि आपको वहां बिना खाए वो भेजेंगे नहीं वापस, आपको खाना बना के खिला के भेजेंगे, कढ़ी चावल राजमा चावल जो होगा उनके पास। और एक हम ढूंढ रहे हैं चौधरी को। ओ भाई क्या ठंडा है। अरे आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यार। चढ़ाई करने के बाद तुम्हें देख के ना मेरा भी थकान लग गई। अरे यार पानी देखो ना क्या मस्त है, पानी छोड़ने का मन नहीं कर रहा। कहाँ से चलना है बोला तुमने? रास्ते निकलने पूछने के लिए भी कोई नहीं, गूगल भी काम करेंगे। एक गलत टर्न, एक काम करते हैं, एक एक रास्ता पकड़ते हैं। और ये लिटरली तो हमें भी नहीं पता कितना ऊपर जाना है। चलते चलते ये रास्ता है भी कि नहीं है। कांटे भी अलग हो रखे हैं इधर यार। की ट्रैक के बाद फाइनली अब हम पहुंचे यहाँ पे, यूपी के माउंटेन के टॉप पे है। तो ये है बिल्कुल गांव का घर, सो आज मजा आएगा। और वो नीचे वैली। तो आफ्टर ऑल इतनी मशक्कत के बाद हम वहां पर पहुंच ही गए, और वहां से जो नजारा था उसने हमारी सारी थकान मिटा दी थी। तो अब मैं मिलाता हूँ आपको उन शख्स से जिनकी तलाश में हम यहाँ तक आए थे। तो ये है हमारे विपिन भाई, ऑल्सो नोन एज परमा फ्रॉस्ट YT, इनका YouTube चैनल भी है। तो भाई के चैनल का नाम क्या है? मयंक शर्मा ही है मेरा चैनल का नाम। भी मयंक स्पेशल जानो हां हमारे हाँ यार रुद्रनाथ जाने का बड़ा मन है। इस सोमवार रुद्रनाथ में बैठे चलो। तो वहाँ तो किसी भी दिन चल जाओ, सोमवार हो जाए। यहाँ पर सब गांव वालों के साथ बैठना, उनसे बात करना, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अमेजिंग था। और यहाँ पे टाइम बहुत स्लो हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जल्दी नहीं होती शहरों की तरह। आप यहाँ पे आराम से बैठते हैं, बातें करते हैं। यहाँ पे सब लोग हमें देख के, और भी लोग आ गए थे वो सब भी बैठे, तो हम सारे लोग बैठ के यहाँ पे आराम से बातें कर रहे हैं। कोई अपने किस्से सुना रहा है, कोई कहाँ जाने की बातें कर रहा है।
तो ये चीज बहुत अमेजिंग थी। काल पासवा ऊपर से क्रॉस होता है जो हाथी घोड़ा पर्वत बद्रीनाथ से ऊपर को पहाड़ों में ये वैली ऑफ फ्लावर देखते हुए पहाड़ों से क्रॉस करते गमशाली तो ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ गाड़ियों वोड़ियों में घूमना अच्छी बात है लेकिन ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है। फ्लावर्स तो चलो इजी ट्रैक्स में आता है, कुछ डिफिकल्ट ट्रैक्स पर कहाँ कुछ ठंडी साल है वो करो। और अपने एंशियंट रूट, अब तो लोग शॉर्टकट मारने लग गए, पैंकस रोड गए थे एंशियंट रूट से करो पीछे भी पहली बार इतना ऊपर पहाड़ों पे ना, तो यहाँ से चढ़ते टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों मतलब कैसा कैसा रास्ता आ रहा है और कैसे है। इसने बोला कि हाँ चल तुझे गाँव घुमा के ला, तो मैं चल गाँव घूमेंगे अब गाँव घूमने आएंगे। हम शहरी लोगों को लगता है कि ये पहाड़ इतने सुंदर हैं, बट असलियत में ये पहाड़ जितने सुंदर हैं उससे ज़्यादा एक्सट्रीम भी है। तो इस हाइट पे विपिन भाई अकेले रहते हैं इन दिस हाउस, जहाँ पे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तक नहीं है। तो ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ना होने की वजह से उनको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, ही टोटली डिपेंड अपॉन दिस सोलर एनर्जी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना और उनकी डेली लाइफ के बारे में जानना, वो हर चीज़ शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ अपने यूट्यूब के ब्लॉग में। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप लोग उनका यूट्यूब का चैनल देखें, उनका सब्सक्राइब करें। सो जिसमें वो अपने डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालते हैं, अ लाइफ इन अ माउंटेन। गांव के लोगों के साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला कि समय कब बीत गया। सो जो भी थकान थी उन सब के साथ बैठ के बातें करते हंसी मजाक में सब थकान भी उतर गई। बस अब हो गया रेडी, सब रेस्ट वेस्ट कर लिया, अब निकलेंगे यहाँ से हम नवीन के गांव की तरफ। अब नया बना क्या बताऊँगा। सो जिस ऊंचाई पे थे हम यहाँ से बहुत से अलग अलग पहाड़ दिखते हैं। अभी जो हमें सामने पहाड़ दिख रहा था ये है दूनागिरी, और इस अभी मॉनसून की वजह से क्लाउडी है, नहीं तो और भी अदर माउंटेन रेंज दिखती है यहाँ से। अब निकल रहे हैं यहाँ से, हम सामान उठाते हैं और अब निकलते हैं आगे जोशीमठ की तरफ, फिर मिलते हैं से नीचे निकल के। अब हमें पूरा ट्रैक डाउन करना है, सो स्टीप चढ़े थे हम उतना ही तेजी से हम नीचे भी उतर रहे हैं। तेज़ी से चढ़े तो नहीं थे पर जल्दी हम उतर जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सही था, बस चल स्लोप बहुत ज़्यादा है और रास्ता कुछ ऐसा है, हाँ फॉलो करते हुए चलना है उस तरफ। मैंने एक स्टिक ले लिया जस्ट बिकॉज यहाँ पे, और वो रहा ऊपर वाटरफॉल, तो वहाँ पे सामने वाटरफॉल, ट्रैक डाउन करके नीचे जा रहे हैं और वो रहा वाटरफॉल, और वहाँ सामने है द्रोणागिरी पर्वत जो वाइट वाइट दिख रहा है, अभी वो क्लाउड है इसलिए नहीं दिख रहा। तो अभी हम ऊपर से नीचे ट्रैक डाउन कर रहे हैं और यहाँ के लोकल हैं, उन्होंने मुझे हमें बताया एक चीज़, एक खेत है जिसके लिए वो हमें सिर्फ लेके आए थे। तो अभी आपको हम खेत दिखाता हूँ वो किस चीज़ का खेत है। यहाँ काटे थे सो वो है ये खेत, ये आपको लगेगा ये खेत क्या ही है, मतलब क्या चीज़ है ये, कुछ नहीं, ये है बीड, ये यहाँ से लेके बात है पूरा वीड ही वीड है वो देखो। वो फोटो खिंचाने जा रहा है, ये पूरा वहां तक सब वीड है। अच्छा ये पूरे इसमें 2 किलो निकल जाएगा तो ये लीगल है यहाँ पे, लीगल नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, पीछे से ऐसे बिक जाता है लीगल, सिर्फ इसका वो धंधा है रेसा होता है, रेसा
था। अच्छा अच्छा बहुत बड़ा है वहाँ से, बहुत बड़ा है यार। ये नवीन ने हमें इतना पूरे दिन चढ़ाने के बाद चलवाएगा, अब फिर रात को घर ले जाने में भी इतना चलवा रहा है और तो दिख भी नहीं रहा इतना चल रहा है मैं। यहाँ से लेफ्ट स्टेयर्स 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 और फिर और ऊपर जाना पहाड़ पे, मैं राइट और वो सीधा ये चला, ये है और देख ले वहाँ जाना जहाँ पे।